देखो आप ये डाली जो जिसको हरिपत्ती बोलते हैं, जिसको ये करण भाई छांग रहे अपनी बकरी के लिए। तो इस टाइम हरिपत्ती जो सस्ती होती है तो 8 से 10 रुपए केजी में मिलती है। तो इसके बारे में हम करण भाई से अभी पूरी जानकारी लेंगे। जैसे ही करण भाई नीचे आते हैं तो हम करण भाई से पूरी जानकारी लेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर दोस्तों, और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन और जानकारी आपको समय समय पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। तो अब वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अब करण भाई का हम इंटरव्यू लेंगे। तो किस टाइम डाल ये इसको जो खेजड़ी की ये डाली बोलते हैं, इधर हमारे जो राजस्थान की वह उसे ये बोलते हैं, तो इसको जो जानवर खाते हैं बकर बकरा बकरी जिसको बोलते हैं, जानवर जो किसान लोग हैं जो नहीं जानते कि खेजड़ी किसे बोलते हैं, और जो लोग हरी पत्ती के नाम से ये जानी जाती है खेजड़ी वृक्ष, ये देख सकते हो खेजड़ी कितनी है होती है, तो आपको हम बताएंगे। नमस्कार करण भाई। नमस्कार। तो सर आज हमारे व्यूअर्स को आप क्या दिखाने वाले हो और किसके बारे में जानकारी दोगे? आज मैं दिखाने जा रहा हूँ राजस्थान की फेमस ये वृक्ष है जो खेजड़ी खेजड़ी कहते हैं इधर। तो आज आपका कहना है कि राजस्थान में जो जानवर बकरा बकरी को जो खिलाते हैं, जिनको नाम लोग कहते हैं हरी पत्ते का जो पेड़ हाँ बोलते हैं, उसके आप हमारे को जानकारी दोगे। हाँ तो अभी हरी पत्ती कैसी होती है तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो भी बंदा ये है हरी पत्ती का पौधा है, कटी हुई डाली है, तो इनको इसका मतलब इसको पूरी डाली को खिलाते हैं या इसको लूंग हरी पत्ती कैसे बनाते हैं करण भाई? हरी पत्ती जैसे इनको छांगते पहले। अच्छा, तो पहले काटते हैं इनको जनवरी के टाइम में, इनको छांगते हैं पूरे। अच्छा, पूरा काट के उसके बाद नीचे उसको सुखाते हैं। अच्छा, 1 महीना सुखाने में लगता है इनको। अच्छा, उसके बाद में ये तैयार होकर हर हर इधर मार्केट में आती है। मार्केट में आती तो है। करण भाई ये कटने के बाद किस मतलब कितने रुपए केजी आ जाती है, कितने रुपए ये में? अभी 11 या 12 केजी मिल जाती है, 10 से 12 रुपए में आप मिल जाती है मार्केट में। हाँ तो करण भाई मतलब अभी तो आप ये बकरी के लिए अभी आपके पास कितनी बकरी है? अभी वो ही है हमारे पास 60-70। 60-70 है अभी इस टाइम? इस टाइम। अच्छा, तो ये छोटू आ रखा है। तो छोटू भाई नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? दिलखुश। दिलखुश। तो आप स्कूल स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल जाता हूँ, आज छुट्टी। तो छुट्टी, तो आप किस लिए आए हो? बकरी की डाली लेने के लिए। तो आप भी बकरी की डाली लेने के लिए? तो आप भी बकरी फार्म, आपके बगल बकरी पालते हो आप? हाँ। अच्छा, तो आप मतलब आपके कौन चलाते, घर वाले चलाते हैं या आप चलाते हो? मैं चलाता हूँ। अच्छा, आप छुट्टी के टाइम आप चलाते हो, बाकी घर पे रहती है बकरी? अच्छा, लेके जाता हूँ। अच्छा, अभी डाली सुबह सुबह का टाइम है तो आप डाली लेने लेंगे। तो ये देखो छोटा सा बच्चा है, इसको भी बकरी में इंटरेस्ट है। देखो बहुत ही इतना भी लगभग इसकी उम्र 8 से 10 साल है, लेकिन इसको भी मतलब गोट फार्मिंग में बहुत शौक है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे हैं घर पे बकरी फार्म। ये देखिए ये लेके जा रहे हैं। तो जो भी बंदा अगर हमारे बकरी फार्म से रिलेटेड या किसी भी गोट फार्मिंग के रिलेटेड अगर वीडियो अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको मिलेगी, और हमारे हमारे चैनल के माध्यम से आपको नई नई गोट फार्मिंग, फिश और सभी प्रकार की समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर व कमेंट करें, ताकि आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो धन्यवाद करण भाई। धन्यवाद।